देखिए, इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कृपया, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई का आपकी ज़िंदगी चल रही है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है मार्क्स लेने की, लाखों करोड़ों की भीड़ है, बहुत टफ कंपटीशन है। तो ये तीन चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत आगे निकाल सकती हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका, नंबरों की भीड़ के पीछे मत जाइए। ए लाना है, ए प्लस लाना है, ए प्लस प्लस लाना है, ये आप सोचना बंद कर दीजिए। देखिए, अगर आप चाय बनाने के लिए रेसिपी अच्छी सीखते हैं, पत्ती अच्छी डालते हैं, दूध अच्छा डालते हैं, गैस पे अच्छी आंच देते हैं, तो चाय तो ऑटोमेटिकली ही बाय प्रोडक्ट है, वो बन ही अच्छी जाएगी। तो थॉट प्रोसेस को हमने चेंज करना है। हमारा जो थॉट प्रोसेस चेंज होगा, तो आपकी जो एग्ज़ाम की ये भीड़ है, इसमें आप बहुत जल्दी और बहुत स्मार्टली वे से आगे निकल जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन तीन रूल्स की, उन तीन डिसिप्लिन्स की, उन तीन कमिटमेंट्स की, उन तीन लाइफ के प्रिंसिपल्स की, जो आपको एग्ज़ाम की भीड़ से लोगों में आगे बढ़ने का और अच्छा अपना व्यक्तित्व रखने का मौका देंगे। देखिए, सबसे पहला आ जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। देखिए, इसमें क्या करना है आपने, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हर रोज आप सुबह या शाम को, शाम तक कॉलेज जाते हैं सुबह से लेकर। देखिए, सुबह स्कूल या कॉलेज जाने से पहले 1 घंटा पढ़ना है, और शाम को आने के बाद 7 बजे तक आपने 2 घंटे पढ़ने हैं, और 9:30 बजे के बाद आपने 1 घंटा पढ़ना है मैक्सिमम। तो ये 4 घंटे की रूटीन आपकी हो जाती है बेसिकली। वैसे तो देखिए, अगर ये 4 घंटा आप नॉर्मल रूटीन में सारी ज़िंदगी, जब तक आपकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, IAS PCS या कोई भी MBA बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये आपकी नॉर्मल लाइफ है, और 4 घंटे में मैक्सिमम कह रहा हूँ, आप 2.5 या 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप 3 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, तो आपको किसी भी तरह का प्रेशर लाइफ में स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, कुछ सीखने के लिए प्रेशर रहने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को एंजॉय करोगे, रिलेटिव से मिलोगे, नॉर्मल लाइफ एंजॉय करोगे और बहुत अच्छा फील करोगे। देखिए, अब दूसरे की बात करते हैं, तो वो है डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमने कंसिस्टेंसी का काम करना है। डिसिप्लिन कैसे होगा, देखिए, अगर आपको भूख लगी है, आप उसको कहते हैं मैं 1 घंटे बाद खाऊंगा, टीवी आपने 15 मिनट देखना है, आप आधा घंटा देख रहे हो, 1 घंटा देख रहे हो, तो आपको टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, पंक्चुअल नहीं हो पाओगे, तो कंसिस्टेंसी का भंडा गोल हो जाएगा। कंसिस्टेंसी उसी पे टिकी है कि जो आपने फिक्स कर दिया, उस चीज़ के लिए आपके पास वक्त है। अगर आप टीवी 1 घंटा फालतू देख रहे हैं, मूवी 1 घंटा फालतू देख रहे हैं, सोशल साइट से मोबाइल 1 घंटा फालतू देख रहे हैं, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ जितना डिसाइड किया था उसे आधा घंटा ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो आपका कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस में डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो हमेशा अपने जो टाइम टेबल बनाओगे सुबह से लेके शाम तक, उसको डिसिप्लिन और बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग चलाओगे, तो कंसिस्टेंसी वाला जो आपका शेड्यूल है लाइफ में, चाहे वो एजुकेशन के लिए है, चाहे वो स्किल्स मेंटेन करनी है, वो प्रॉपर हो ही जाएगा। तो चलिए, इन दोनों के बाद बात करते हैं तीसरे की, इट्स कॉल्ड अ प्रैक्टिस। देखिए, बड़ा प्यारा सा डॉगी मफिन्स लेके नेक पे बैठा दिखाया गया है। देखिए, प्रैक्टिस क्या है, कि आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की कि मैं दिन में 3 घंटे पढ़ूंगा, आप वो सक्सेसफुल नहीं हुए, आप उसकी दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। आप खाना बनाना सीखते हैं, लेडीज जेंट्स, बाइक, स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, हाई जो हवाई जहाज, कुछ भी आप जिंदगी में सीखते हो, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही जब आप अपना टाइम टेबल बनाओगे, सुबह उठो, उठ के 15 मिनट फ्रेश हो, 15 मिनट चाय पियो, आधा घंटा स्पेंड हो गया, 1 घंटा पढ़ो, स्कूल जाओ, वापिस आओ, एक आधा पौना घंटा दोबारा लो, 1 घंटा आने से, उठने के बाद आधा घंटा, स्कूल कॉलेज आने के बाद 1 घंटा, फ्रेश हो, उसके बाद 2 घंटा पढ़ो, उसके बाद रात को 9:30 के बाद 1 घंटा पढ़ो। दिस इज योर
एजुकेशनल शेड्यूल। तो इन तीन चीजों की प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी मर्जी रूटीन टूटे, लेकिन प्रैक्टिस उसी का नाम है कि जब तक सक्सेसफुल ना हो वो करती जाए। तो बस ये तीन चीजें हैं, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में आ जाती हैं तो आप एक, देखिए ये क्यों कहा जा रहा है, नॉर्मल लाइफ जिए, प्रेशर में मत रहिए कभी भी जिंदगी में। बाद में रियलाइज होता है कि यार पढ़ने में जिंदगी गुजारती, एंजॉय तो किया नहीं है, रिलेटिव से तो मिलेंगे नहीं, दोस्तों से के साथ टाइम नहीं गुजारा, मंदिर। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लिए। अगर कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिल जाएं और इम्प्लीमेंट हो जाएं और किसी का भला हो जाए तो मैं बहुत अच्छा फील करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।